तो हम लोग इंटीग्रेशन में आज की क्लास में इन दोनों टाइप के फॉर्मेट को कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसके बारे में से। इन दोनों फॉर्मेट को पहले आपको देखना है, समझना है कि ये दोनों फॉर्मेट कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी और रूट के अंदर पी एक्स प्लस क्यू। फर्स्ट वाले फॉर्मेट पर थोड़े ध्यान दीजिए, रूट के बाहर क्या है दरअसल लीनियर और रूट के अंदर क्या है लीनियर। तो पहला फॉर्मेट है जो रूट के बाहर लीनियर और रूट के अंदर लीनियर है, तो उसे कैसे सॉल्व करें। तो जब भी इस टाइप का कोई फॉर्मेट को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इस टाइप के फॉर्मेट को इंटीग्रेट करने के लिए जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी होती है उसको टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है। फिर से देखो, फर्स्ट वाले फॉर्मेट में जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है उसको टी स्क्वायर आप सब्स्टिट्यूट करें और क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसी के बेसिस पर और रूट ओवर एक्स प्लस वन। तो हमने क्या बताया है, रूट के अंदर जो भी रहता है उसको टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का वन टू का जीरो और टी स्क्वायर का टू टी और डी टी बाई डी एक्स। तो इधर से डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, टू टी और डी टी। अब देखो, अब प्रॉब्लम यह है कि जब इधर पर एक्स प्लस टू को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इधर से एक्स की वैल्यू निकाल कर इधर पुट किया करो, एक्स इक्वल टू क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस टू। और जो एक्स हमने निकाला वो किसने निकाला, जो बाहर ब्रैकेट में जो है लीनियर उधर एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, तो इधर है वन अपॉन एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस टू प्लस वन और रूट के अंदर टी स्क्वायर ब्रैकेट में टू टी और डी। समझ में आ गया, तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन और ब्रैकेट में सॉरी इधर देखो रूट के अंदर टी स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा टी इंटू टू टी और डी, टी से टी कैंसिल हो गया टू बाहर ले लो, इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। अब ये जो फॉर्मेट आया तो वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, इसको इंटीग्रेट हम आसानी से कर सकते हैं किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वन अपॉन टू ए की वैल्यू वन इंटू लॉग टू बेस ई मॉड ऑफ क्या आएगा टी माइनस वन, सॉरी इधर पर टू साथ में था ना पहले, टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन प्लस सी, टू से टू कैंसिल हो गया इधर आएगा लॉग टू बेस ई मॉड ऑफ टी की जगह वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ टी की वैल्यू हमें निकालना है इधर इधर पुट करने की, तो इधर से टी क्या आएगा रूट ओवर एक्स प्लस टू, इधर आ जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस टू माइनस वन अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस टू प्लस वन प्लस सी। तो पहला फॉर्मेट आप लोगों को अच्छे समझ में आया, पहले फॉर्मेट में क्या है रूट के अंदर लीनियर और रूट के बाहर लीनियर कंडीशन। तो रूट के अंदर जो भी लीनियर कंडीशन होती है उस लीनियर कंडीशन को जब भी रूट के अंदर लीनियर हो, रूट के अंदर जब भी लीनियर हो तो रूट के अंदर जो भी लीनियर वाली कंडीशन होती है उसको टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है। और भी फॉर्मेट में ऐसा ही होता है, रूट के अंदर कोई लीनियर है रूट के अंदर कोई लीनियर है तो उसको टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व करोगे और बाकी रिमेनिंग साइड जो भी एक्स है उधर एक्स की वैल्यू निकाल के पुट करोगे तो हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट समझ में आया, रूट के अंदर लीनियर रूट के बाहर लीनियर, तो रूट के अंदर जो भी लीनियर उसको टी सब्स्टिट्यूट किया सॉल्व किया और जो रूट के बाहर लीनियर उधर एक्स की वैल्यू निकाल के हम पुट करते हैं तो पूरा फॉर्मेट टी की फॉर्म में हमें लाना पड़ता है। ठीक है, अब सेकंड वाला फॉर्मेट देखिए, सेकंड वाला जो फॉर्मेट है अच्छा फॉर्मेट है,
रूट के अंदर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाली कंडीशन और रूट के बाहर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाली कंडीशन। तो सेकंड वाले फॉर्मेट में करना क्या है, ठीक है, सेकंड वाले फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए, जो एक्स होता है उसको वन अपॉन टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब भी ये फॉर्मेट आपका यूनिट टाइप का है, जब भी वन अपॉन ई एक्स स्क्वायर प्लस बी और रूट के अंदर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू टाइप का फॉर्मेट है तो उसमें एक्स को वन बाई टी सब्स्टिट्यूट करना है। इस वाले क्वेश्चन में देखो, एक्स को हमने वन बाई टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, दोनों फॉर्मेट्स वन है। जब भी इस टाइप के फॉर्मेट को हमें इंटीग्रेट करना है तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, और काफी क्वेश्चन में इस टाइप के फॉर्मेट बन जाते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि फॉर्मेट को आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा फॉर्मेट है तो इसको ऐसा सॉल्व करेंगे, ऐसा फॉर्मेट है तो इसको ऐसा, कुछ फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करो, x का 1, 1 बाई टी का डिफरेंशिएट माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, अब डीटी वाई डी एक्स, इधर डी एक्स की वैल्यू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन इधर पर 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू इधर पर भी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 और dx की वैल्यू कितनी आई माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, समझ में आ गया। अब इसे सॉल्व करो तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इधर आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 2 टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू, तो इधर से टी बाहर है, इधर टी स्क्वायर है तो ऊपर टी क्यूब पहुंच जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर और रूट ओवर 1 प्लस 2 टी स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इधर टी स्क्वायर से टी कैंसिल हो गया, समझ में आ गया। आगे देखिए क्या बचा हमारे पास, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर टी और इधर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 टी स्क्वायर। अब ऐसा करने के बाद करना क्या है, ठीक है, आपको इसमें यह आइडिया लग गया कि x को 1 बाई टी हमें सब्स्टिट्यूट करना है और 1 बाई टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद नीचे वाला फॉर्मेट वैसा ही रहता है। देखो इसमें कंडीशन क्या है, एक एक्स स्क्वायर दूसरा कॉन्स्टेंट, अंदर एक एक्स स्क्वायर दूसरा कॉन्स्टेंट, इसमें भी वही हुआ, एक स्क्वायर वाला दूसरा कॉन्स्टेंट, एक स्क्वायर वाला दूसरा कॉन्स्टेंट, बट इसमें प्रॉफिट क्या होगा, एक टी ऊपर आ गया, इधर तो नहीं है टी, ये सब हमने क्यों ऐसा किया है, ऊपर केवल टी लाने के लिए, मतलब यहां पर जिस फॉर्म में रूट के अंदर इधर पर एक्स स्क्वायर प्लस बी इधर पर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाली कंडीशन है तो इधर पर एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स का फॉर्मेट डालने के लिए, मतलब ये टी की फॉर्म में आ गया, कंडीशन समझ में आ गई, यहां पर एक्स इक्वल टू वन बाई टी इसलिए सब्स्टिट्यूट किया कि इसे हमें ऐसा फॉर्मेट बनाना है। नीचे तो फॉर्मेट में चेंजिंग नहीं है बट टी ऊपर आ गया, बट टी ऊपर लाने के लिए सब किया, ठीक है। अब आगे देखिए ऐसा करने के बाद हमें करना क्या है, जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है फिर उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अप यू, क्या सब्स्टिट्यूट करना है यू, समझ में आ गया। अब इसको ऑलवेज याद रखना है कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को यू सब्स्टिट्यूट करना है, अब रूट के अंदर है तो यू ना करके यू स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है ना, हमने क्या बताया है रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को पहले यू बता रहा है तो यू से भी सॉल्व हो जाएगा बट आप यू स्क्वायर रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या इंटीग्रेशन में हम इस टाइप से सीखते हैं, यदि रूट के अंदर वाली पूरी क्वांटिटी को हम टी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उससे आंसर आ जाता है, टी की जगह टी स्क्वायर ले लोगे तो कुछ ज्यादा बेटर रहता है,
ठीक है, समझ में आया। रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी हो उसे किसी वैल्यू किसी वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वेरिएबल के इक्वल करो तो भी सही होगा, बट उस वेरिएबल का स्क्वायर करके करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करो, 1 का 0 प्लस 2 टी स्क्वायर का 2 टी, यू स्क्वायर का 2 यू डी यू बाई तो दैट्स डी टी की वैल्यू निकालो। अब हमने इसको टी के रिस्पेक्ट में किया, ध्यान रखना, तो दैट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और डी टी इक्वल टू यू अपॉन 2 टी और डी, पहले जब पुट कर दो तो माइनस टी अपॉन, अच्छा ऐसा करने के बाद इधर से फिर टी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, टी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इधर पर बाहर टी स्क्वायर है ना, तो इधर टी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू रूट के अंदर यू स्क्वायर इंटू यू अपॉन 2 टी और टू टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया। अब इधर देखो यू स्क्वायर है ना रूट के अंदर, तो रूट के बाहर यू आएगा तो इससे कैंसिल हो गया, क्या जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 और टी, 2 पर जाएगा तो माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 डी, उसे 2 कैंसिल होती है। ठीक है, समझ में आ गया, एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 2 टी स्क्वायर को यू स्क्वायर लिया, अपॉन में टी स्क्वायर आया, एक टी से एक टी कैंसिल हो गया। ठीक, आगे देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्मेट बचा है, ध्यान देना, हमारे पास जो फॉर्मेट बचा है वो बचा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 और डी, कौन सा फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है 1 अपॉन ए, ए की वैल्यू तो 1 है तो टेन इनवर्स प्लस, अब u हमने किसकी जगह लिया था वो रख देते हैं, तो u लिया था हमने tan इनवर्स, इधर माइनस है, tan इनवर्स 1 प्लस 2 टी स्क्वायर की जगह प्लस, और t किसकी जगह लिया था हमने माइनस tan इनवर्स 1 प्लस 2 टी, मतलब 1 बाई एक्स की जगह, सॉरी x की जगह 1 बाई टी लिया था ना, तो t इक्वल टू क्या होगा 1 बाई एक्स, इधर कितना आ जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आए या जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो इस टाइप के फॉर्मेट को कैसे इंटीग्रेट करना है, दोनों ही टाइप के फॉर्मेट को हमने इंटीग्रेट करना सिखा दिया। फर्स्ट वाले में रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। सेकंड वाले में एक्स को पहले 1 बाई टी लेना है, फिर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को यू स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। एक बार ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से रिवाइज कर। ओके।